गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, व्हाट एवर यू नीड एंड वन रफ नोटबुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग विद मी नाउ। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सरसाइज 2.1। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिफ्थ वाला। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस fractions in descending order, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 11/12, 5/9, 3/4, 1/6, 6। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन बड़ी है। अब मैं बता सकता हूं कि ये फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है, ये बराबर है, नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? कि इन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाली संख्या 12, 9, 4, 6, ये सारी अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो, किसी के 12 है, किसी के 9 है, किसी के 4 है, किसी के 6 है। तो मैं आप नहीं बता सकता कि ये छोटी है, बड़ी है, बराबर है। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मुझे क्या पता करना है कि फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है। अब मुझे बड़ी का पता चल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा। क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन सा है, 12, 9, 4 एंड 6, ठीक है, 12, 9, 4 एंड 6। तो पहले आप 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 9 नहीं आता तो 9 वापस लिखें, 4 आता है 2 टाइम, 6 आता है 3 टाइम। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 9 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, 3 भी नहीं आता है। 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 टाइम 1 और ये 9 3 वापस 3, ये 1 टाइम, सारा 1 हो गया। अब 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो आएगा 3 3 जा 9। अब इस 9 की टेबल बोलो 2 टाइम तो आएगा 18, 18 की टेबल 2 टाइम बोलो 36। तो मेरा एलसीएम क्या आया, 36। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या करा, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, किस किस का, 12 का, 9 का, 4 का, 6 का ले लिया। अब इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके अब मुझे क्या करना, अब नई फ्रैक्शन, इन सब से एक नई फ्रैक्शन बनानी है। अब नई जो फ्रैक्शन बनेगी उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 36 होगा, सबका 36। तो पहले फ्रैक्शन ले रहा हूं मैं 11/12, ठीक है। अब 11/12 है ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है, मेरा एलसीएम आया जो 36। तो बताओ 12 से मैंने 36 कितनी बार बनाया, 12 में से 24, 12 3 यानी 3 टाइम बनाया, तो इसको भी 3 टाइम लो, 11 3 33 हो गई। सेकंड फ्रैक्शन लो 5/9 इक्वल टू, लिखो नीचे आएगा 36,
अब देखो 9 से 36 कैसे आया, 9 4 जा 36, यानी 9 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से, तो बेचारे इसको भी 4 से करो, दोनों को बराबर रखो, तो 5 4 जा 20, यहां तक करें, फिर मैं इरेज करता हूं ये दोनों फ्रैक्शन, आप इसको कॉपी करें। सभी ने कर लिया होगा, तो अब मैं चलो यहां कर लेता हूं। यहां तक आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा लगभग, हाँ आराम से दिख रहा है, तो क्या करेंगे मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है, बाकी वाले जो टू फ्रैक्शन है वो यहां कर लेता हूं। तो मेरे पास में एक थर्ड फ्रैक्शन है, क्या है, 3/4, 3/4 से मुझे क्या बनाना है, मेरा एलसीएम क्या है, 36 है, ठीक है, अब 4 से 36 हुआ यानी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जा 36, तो इसको भी 9 से करो, हो गया। अब लास्ट फ्रैक्शन है 1/6, 1/6 का भी आप क्या करो, 36। अब मैं तो पास पास में लिख रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको नीचे नीचे ही लिखना है। अब मेरे तो पेज है नहीं, ये बोर्ड इतना ही है, आपका पेज तो लंबा है, तो आपको इसके 1 2 3 4 5 नीचे ही लिखना है, ठीक है, पास में मत लिखना, याद रखना पास में मत लिखना, पास में मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो देखो 6 6 होता है 36, तो इसको भी 6 से करो। अब हमारे पास में फ्रैक्शन बन गई, ठीक है, अब देखो, अब आप लिखो असेंडिंग, अब आप आराम से कौन सा ऑर्डर लिख सकते हो, डिसेंडिंग, तो लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर वाला मैं इरेज कर लेता हूं, क्वेश्चन इरेज कर लूं, मैं आराम से बता सकता हूं कौन से फ्रैक्शन बड़ी है, डिसेंडिंग में मतलब बड़ी फ्रैक्शन, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताओ 27 है, अब तो ऊपर वाली देखनी है, 27 बड़ा है, 6 बड़ा है, 33 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है 33, 33/36, 33 के बाद हट गया 33, अब कौन बड़ा बचा, 27, 27 भी गया, अब बचा मेरे पास में 20, 26, अब बचा 6, ठीक है, ये मेरा हो गया कौन सा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब मेरी 33 किसकी फ्रैक्शन आई, अब देखो मूल जो इसकी मेन फ्रैक्शन है वो लिखो, 33 किसकी फ्रैक्शन थी, 11/12 की, कॉमा, 27 किसकी थी, 3/4 की, 20 किसकी थी, 5/9 की, कॉमा, 6/30 किसकी थी, 6/36, 1/6 की थी, तो ये हमारी क्या हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये आप करें, पहले क्या था, पहले ये लिखना, फिर उसके बाद में ये लिखना, कॉपी इट फास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रिपीट कर करके देखना है आपको कम से कम 2 टाइम, तब आपको ये आराम से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कम से कम इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें तब आपको परफेक्ट समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को करने में मजा भी आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, यानी ब्रेन पे आपको अगर आपसे हो रहा है तो आपको इसमें एंजॉय आएगा करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी करें। सभी ने कर लिया होगा। अब हम करेंगे होमवर्क। होमवर्क में हम करने जा रहे हैं इसका जो बी क्वेश्चन है, बी आपको करना है। ठीक है, होमवर्क में HW अपना बी है और बी में आपके पास में 3/25, 1/5, 7/20, 4/15। प्रोसेस वही रहेगी। पहला आपको क्या करना है, पहला सारी जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर को आपको क्या लेना है, ये 5 है, हाँ ये 5। आपको क्या करना है, इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर कौन सा है, 25, 5, 20, 15। इन सभी का एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम आए वही अब बाकी जो नई फ्रैक्शन बनेगी उन सबका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, जैसे ये आया इसकी तरह करना है। तो जो आज की क्लास है वो इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।